हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ साउथ इंडिया के एक स्नैक्स आइटम के साथ। तो आज मैं क्या बनाऊंगी? आज मैं बनाऊंगी दाल बड़ा। आप लोग सोच रहे हो कि दाल बड़ा हम लोग तो खा चुके हैं, लेकिन नहीं, एक ट्विस्ट तो है ना, क्योंकि साउथ इंडिया में जो दाल बड़ा मिलता है और अदर स्टेट में जो मिलता है थोड़ा सा नहीं, बहुत डिफरेंस है। तो आज मैं वो ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और ये बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बनेगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनते हैं साउथ इंडिया के फेमस स्नैक्स आइटम दाल बड़ा। लेट्स बिगिन। इंडियन स्टाइल दाल बड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए उड़द दाल। इसको मैंने 4-5 घंटा के लिए भिगा लिया है। उसके साथ ही साथ हमें चाहिए चना दाल, इसको भी 4-5 घंटा के लिए मैंने भिगा लिया है। ये चाहिए दोनों। उसके साथ ही साथ हमें चाहिए राइस फ्लोर, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट, ओनियन एक फाइनली चॉप्ड किए हुए, कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड किए हुए, और ये जिंजर और ग्रीन चिली को ना मैं ये दाल के साथ पेस्ट बनाऊंगी, और थोड़ा सा करी लीव्स, इसको भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। तो चलो प्रोसीडियर शुरू करते हैं। फर्स्ट में एक मिक्सर ग्राइंडर जार ले लीजिए और उसके अंदर दे दीजिए उड़द दाल और दे दीजिए जिंजर एंड ग्रीन चिली। इसको बिना पानी के पेस्ट बना लीजिए। देख लीजिए ये हमारा पेस्ट बन गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और सेम प्रोसेस में चना दाल को भी पेस्ट कर लेना है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ऐसे ना एक मुट्ठी लेकर उठा के रख दीजिए और अभी बाकी के पेस्ट बना लीजिए। देख लीजिए चना दाल का भी पेस्ट बन गया है। अभी मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। देख लीजिए मैंने दाल को ले लिया है। अभी दे देंगे सॉल्ट। देंगे कोरिएंडर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड किए हुए, करी लीव्स चॉप्ड किए हुए, ओनियन चॉप्ड किए हुए। इसे दे दीजिए। दे दीजिए वो चना दाल जो मैं रख दी थी। चना दाल रख के दे दीजिए और अभी दे दीजिए राइस फ्लोर, एक प्रॉपर गुड मिक्स देने के लिए। हाथों की मदद से अभी इसको मिक्स कर लीजिए। देख लीजिए हमारा दाल बड़ा के जो दो बनाना था वो हमारा रेडी हो गया है। अभी चलो ऑयल चढ़ाते हैं। देख लीजिए 5 मिनट बाद ना बड़ा को पलट के देख लीजिए कि उस साइड में हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे पलट दीजिए। पलट के दीजिए। देख लीजिए मैंने सारे के सारे बड़े को पलट दिया है। अभी फिर से दूसरे साइड को होने दीजिए। देख लीजिए बड़े को मैं पलट रही हूँ। ऐसे पलटते पलटते बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ऐसे पलट दीजिए। तो देख लीजिए मैं सारे के सारे को पलट दिया है और अभी फिर से इसको भुने दीजिए। फ्लेम को बिल्कुल लो में रखिए तो असली स्वाद है ना वो पता चलेगा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। देख लीजिए बड़ा को बस और एक बार पलट के देख लीजिए कैसा हुआ है। इतना अच्छा ब्राउन ब्राउन कलर आया है ना, बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ऐसे ही ट्राई कर लेना चाहिए। ऐसे कर लीजिए
ऐसे पलट दीजिए। तो मैं सारे के सारे को पलट देती हूँ। देख लीजिए मैंने सारे के सारे को पलट दिया है, अभी बस 2 मिनट टाइम दीजिए तो ये हो जाएगा। लीजिए बड़ा हमारा बन गया है, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। वन बाय वन करके निकाल लीजिए। तो मैं सारे के सारे को निकाल लेती हूँ। तो देख लीजिए मेरा साउथ इंडियन स्टाइल दाल बड़ा अभी रेडी एंड सर्व्ड। कैसा लगा मेरी रेसिपी? अगर अच्छा लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।